लगातार गुजरात की वीवीआईपी सीटों का हम आपको एग्जिट पोल बता रहे हैं। इन एग्जिट पोल के पीछे क्या वजह है, क्यों आखिर उम्मीदवार जीत रहे हैं या फिर उम्मीदवार हार रहे हैं, इन चीजों पर हम चर्चा करेंगे। अब बात करेंगे हम खंबालिया सीट की। खंबालिया विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है इशुदान गढ़वी, वो अपनी ही सीट नहीं बचा पा रहे हैं। इशुदान गढ़वी इस सीट से पीछे चल रहे हैं, क्या वजह है उनके पीछे चलने की? निर्णय जी आपसे मैं पूछना चाहूंगी, एक मुख्यमंत्री जिसे प्रोजेक्ट किया गया आम आदमी पार्टी ने, वो खुद ही अपनी सीट नहीं बचा पा रहा है। देखिए, जो हमारे पास जानकारी थी उस हिसाब से हमें ये लग रहा था कि इशुदान द्वारका की सीट से लड़ेंगे और वो लड़े बाद में खंबालिया की सीट से, तो ये हमें पहला सरप्राइज तो यही लगा कि क्योंकि द्वारका में काफी फोकस किया था उन्होंने और फिर बाद में वो खंबालिया जाके लड़े, और खंबालिया का अगर कास्ट इक्वेशन भी आप देखें तो वो इशुदान के फेवर में नहीं जा रहा है। अगर उनकी खुद की कम्युनिटी से आप बात करें तो 15,000 के आसपास गढ़वी वोट हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसी बात सामने आ रही थी कि सतवारा कम्युनिटी जो है वहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग कम्युनिटी है, करीब 45,000 वोट हैं उसके उस इलाके में, वो इशुदान को मिल सकते थे। और साथ में ऐसा माना जा रहा था कि जो एक शुरू में हवा बन रही थी कि मुस्लिम वोटर जो हैं बहुत सारे। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। वो इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, और ऐसा जब हम जाते भी थे, लोगों से बात करते थे, तो शुरू में ऐसा एक फील भी इस तरह की मिल रही थी कि मुस्लिम वोटर जो वो जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ, तो हमें ऐसा लगा था उस वक्त कि सतवारा कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी मिलकर के इशुदान को एक सपोर्ट दे सकती हैं, और जिनके कुल मिलाकर के 90,000 जितने वोट हैं। लेकिन बाद में आते आते हमने देखा कि ऐसा कुछ भी मूवमेंट जो है वो होता हुआ दिख नहीं रहा है, और विक्रम माडम जो है कांग्रेस के सिटिंग एमएलए वो काफी स्ट्रांग नजर आ रहे थे, और बीजेपी ने इस बार एक बहुत, इसीलिए मैं कहता हूँ बीजेपी जो है ना वो बहुत सरप्राइजेस जो एलिमेंट है उसको बहुत यूज करती है। आप सोचिए 10 साल से कंप्लीटली निष्क्रिय हो चुके थे मुलू भाई बहरा, जो कि केशुभाई सरकार में मंत्री थे, बकायदा नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री बने तब भी वो चुनाव लड़े, जीते, बाद में वो हार गए, उसके बाद से वो विराम लिए हुए हैं। करीब 10 साल से वो बिल्कुल हाशिए पर चले गए थे, मार्जिनलाइज हो गए थे। अचानक आप देखिए बीजेपी ने मुलू भाई मेहरा को मैदान में उतार दिया और सडनली उनका जो वोटर है वो एक्टिव हो गया, वो खुद भी आहिर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, और इसी वजह से फाइट जो है वो अब शिफ्ट हो गई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। बिल्कुल, अब मैं दो और सीटों पर बात करना चाहूंगी। साबरमती सीट, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक वोटर है, वहां से हर्षद भाई पटेल बीजेपी के उम्मीदवार वो आगे दिखाई दे रहे हैं एग्जिट पोल में, और बापूनगर सीट से बीजेपी के ही दिनेश कुशवाहा वो आगे दिखाई दे रहे हैं। मैं छोटा सा रिएक्शन अल्केश जी आपसे लेना चाहूंगी साबरमती सीट पर, और राजेश आपसे मैं लेना चाहूंगी इस बापूनगर सीट पर। बीजेपी के लिए जो कुछ मतलब जितनी भी सेफ सीट की बात की जाए तो इसमें ये आती है साबरमती सीट, क्योंकि बहुत सारा एक जो बड़ा तबका है वो हमेशा से इसके साथ रहा है, बीजेपी के साथ रहा है, तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं होने वाली है बीजेपी को। बापूनगर सीट की अगर बात करें गौनिका, तो बापूनगर सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होने वाली, हालांकि एग्जिट पोल में जरूर दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर आगे है, लेकिन आसान नहीं होने वाली ये सीट, क्योंकि यहां से कांग्रेस के सिटिंग एमएलए जो है वो हिम्मत सिंह पटेल वो मैदान में है और वो मजबूत कैंडिडेट है। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव के शुरुआत में जब एमआईएम का कैंडिडेट यहां से था तब थोड़ी राह आसान भारतीय जनता पार्टी की जरूर लग रही थी, लेकिन बाद में वो कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बैठ गया, तब से स्थिति जो है वो बदली। हालांकि बीजेपी ने बहुत जोर लगाया इस सीट पर, लेकिन राह आसान नहीं है। बिल्कुल, राह आसान नहीं है, और ऐसी ही राह सूरत की सीटों पर भी आसान नहीं है। सूरत की सीटों पर जल्दी से आपको वो एग्जिट पोल बताते हैं। सूरत के ओलपाड सीट पर बीजेपी से मुकेश भाई पटेल यहां पर उम्मीदवार है, लेकिन यहां पर कांटे की टक्कर है एग्जिट पोल में। सूरत के कामरेज में भी कांटे की टक्कर है। यहां से बीजेपी ने प्रफुल्ल पानसेरिया को मैदान में उतारा है। सूरतपुर की सीट की बात करें तो असलम साइकिल वाला ये पीछे चल रहे हैं, जबकि यहां पर 75,000 से ज्यादा मुस्लिम वोटर है। कतारगाम सीट की बात की जाए तो यहां पर गोपाल इटालिया ये आगे चल रहे हैं। इनके खिलाफ काफी ज्यादा प्रचार भी, नेगेटिव प्रचार भी हुआ था। इनका बयान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ जो दिया गया था उस पर इनके खिलाफ काफी ज्यादा इनका विरोध हुआ था, लेकिन ये अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा बात करें वराचा रोड सीट की, जहां पर अल्पेश कथीरिया ये आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, ये भी आगे चल रहे हैं। तो ये तमाम सीटों पर हमने चर्चा की है। मैं छोटा सा रिएक्शन आपसे आखिर में लेना चाहूंगी निर्णय जी, ये सूरत के सीटों का ट्रेंड क्या बता रहा है?
देखिए सूरत में मैं आपको बता दूं, जिन सीटों की बात आपने की है, सूरत में वैसे तो देखा जाए तो बीजेपी को काफी अच्छी सीटें जीतने का मौका इस बार भी है। पिछली बार तमाम प्रकार के आंदोलनों के बावजूद, जीएसटी की चर्चा कई लोग करते हैं, इन तमाम नेगेटिव फैक्टर्स के बावजूद बीजेपी ने सारी सीटें जीती थी सूरत की। टोटल डिस्ट्रिक्ट में 16 सीटें, जिसमें से एक मांडवी की सीट ट्रेडिशनली वो हारती आ रही है, उसको छोड़ के बाकी तमाम सीटें जीती थी। और सिटी की अगर बात करो तो बीजेपी ने सभी जीती थी। पूरे उल्टे भाव के बावजूद, उल्टा प्रवाह चल रहा था, उसके बावजूद बीजेपी ने सारी सीटें जीती थी। उसका मुख्य कारण यह था कि महिलाएं जो हैं वो बीजेपी के साथ खड़ी रही। और इस बार भी मैं आपको बता दूं कि सूरत का जो महिला वोटर है वो बहुत क्रूशल है। भले ही बात हो रही है आम आदमी पार्टी के प्रभाव की, इन चार पांच सीटों के नाम जो आपने गिनवाए, भले ही बात हो रही है कि पाटीदार, युवा पाटीदार जो है वो बीजेपी से काफी एलर्जिक हो गया, नाराज हो गया, ये भी बात आ रही है कि एक ही चीज जो मुझे लग रहा है कि डाउटफुल हो सकती है वो ये है कि जो कैंडिडेट बदले नहीं, जहां पे लोकल लेवल पे एंटी इनकम्बेंसी थी, जैसे कि करंज की सीट पर, कतारगाम की सीट पर, ओलपाड़ की सीट पर, वाराछा की सीट पर, अगर ये बदल दिए होते तो शायद माहौल और भी अच्छा होता। लेकिन मुझे अभी भी ये लग रहा है कि बीजेपी इनमें से कुछ सीटें तो बचा सकती है और कुछ सीटें अभी भी फंसी हुई हैं। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तो कुछ सीटें फंसी हुई हैं जो एग्जिट पोल बता रहा है, कुछ सीटें हो सकता है कि बीजेपी बचा भी ले। लेकिन अब एक आखिरी सीट की बात करेंगे, राजकोट पूर्व सीट की। राजकोट पूर्व सीट पर इंद्रनील राजगुरु कांग्रेस के उम्मीदवार ये एग्जिट पोल में आगे दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम सीटों पर हमने बात की, राजकोट पूर्व की आखिरी सीट जहां पर इंद्रनील राजगुरु कांग्रेस के ये उम्मीदवार है और ये आगे दिखाई दे रहे हैं एग्जिट पोल में। तो तमाम हमने इन सीटों पर बात की, सूरत से लेकर बडगाम, इसके अलावा तमाम वीवीआईपी सीटों पर हमने चर्चा की कि आखिर इन वीवीआईपी सीटों का ट्रेंड क्या कहता है, इन वीवीआईपी सीटों पर एग्जिट पोल क्या कहता है। और जब 8 तारीख को 8 बजे से सुबह नतीजे दिखने शुरू होंगे तो आखिर तब क्या ये एग्जिट पोल पूरी तरह एग्जैक्ट पोल में तब्दील होगा। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि आपको एक सटीक एग्जिट पोल दिखाए। 2 लाख से ज्यादा के सैंपल सर्वे के साथ हमने ये एग्जिट पोल अभी आपको दिखाया, एग्जिट पोल में दिखाया कि किस तरीके से तमाम वीवीआईपी सीटों का क्या हाल है, वीवीआईपी सीटों पर आखिर क्या मामला चल रहा है। तमाम मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम हमारे संवाददाता, मेरे सहयोगी जो जुड़े हुए थे, आप सभी का शुक्रिया, राजेश, अल्केश जी और नीरज जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।